हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत थकान ज़रूर है, जैसा कि आपको मेरे फेस से ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी रक्षाबंधन भी था और रोका भी था मेरे ब्रदर का, और इतनी ज़्यादा बिजी थी। उसके बाद में कोई भी रोके वाला व्लॉग डाला था मैंने, उसके बाद कोई भी व्लॉग नहीं डाला 2-3 दिन से, क्योंकि व्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही थी। 17 तारीख को मम्मी के घर से आई, उसके बाद इतनी थकान हो रही थी, बाद में मुझे जुकाम भी हो गया, कोल्ड हो गया इतना ज़्यादा कि मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई। तो सोचा क्यों ना आज आप सब लोगों से बात कर ली जाए। 2-3 दिन हो चुके हैं, आप सबसे भी बात नहीं हुई है। तो अभी फ़िलहाल जैसा कि आपने देखा कि मैंने चाय बनाई है, तुलसी वाली चाय बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। आप देख सकते हैं, थोड़ी डार्क चाय बनाई है, मे बी इससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाए। इतना ज़्यादा जुकाम हो रहा है, गला भी मेरा बिल्कुल बंद हो गया है और इतना सर दर्द भी हो रहा है। बट मैंने सोचा व्लॉगिंग तो करनी है, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं व्लॉगिंग मैंने की नहीं है। तो आज मैं अभी आपको घड़ी देख के बता देती हूँ। अभी बजने वाले हैं 11:15। 11:15 बजे से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। खाना मैं बना चुकी हूँ। आज मैंने बनाया आलू के पराठे और हस्बैंड जा चुके हैं। आज बेटा घर पे ही है, क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब है, उसे भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, तो वो भी आज घर पे ही है। और अभी फ़िलहाल चाय पीऊँगी और दोपहर में मैं बनाऊँगी हक्का नूडल्स, तो उसकी रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो उसकी तैयारी भी थोड़ी बहुत करनी है। तो मैं सोची हूँ अगर कोई तैयारी करी जन्माष्टमी की, तो वो भी आप सबसे शेयर करूँगी, अगर हो पाई तो, मेरी तबीयत ठीक रही तो। और शाम तक व्लॉग कितना आगे जाता है ये मुझे खुद को भी आइडिया नहीं है आज। हाँ, लेकिन ये कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किचन में, और अभी मैं पी लेती हूँ चाय, तो मिलती हूँ किचन में आप सबसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हक्का नूडल्स। तो हक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं नूडल्स को बॉईल कर रही हूँ, उबाल रही हूँ। पानी गर्म हो चुका है और हक्का नूडल्स भी मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और घी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। घी और तेल ऐड करने से क्या होता है कि हक्का नूडल्स जो है एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और टमाटर को भी कट कर लिया है। आज मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में कट किया है टमाटर और शिमला मिर्च को। और हक्का नूडल्स मेरी यहाँ पर उबल चुकी हैं अच्छे से, और अब मैं इनमें डाल दूंगी पानी। पानी डालने से क्या होता है कि ओवर कुक नहीं होती है, इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के आसपास इसमें पानी है, और यहाँ मैंने घी गरम कर लिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और शिमला मिर्च को। इनको हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। और कोई भी चाइनीज़ आइटम आप बनाएं तो उसे हाई फ्लेम में ही बनाना होता है। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। मैं थोड़ा इंडियन स्टाइल में हक्का नूडल बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड करूँगी। डार्क सोया सॉस मेरे पास है, तो मैं वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। सोया सॉस ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसमें टमाटो केचप, और इन सब चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम हमारी जो नूडल्स हैं वो इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। यहाँ पे मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा परेशानी हो रही थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने हक्का नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है नूडल्स को, और हमारी जो नूडल्स हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं अच्छे से। खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, और बच्चों की तो फेवरेट होती हैं, और बड़ों को भी अच्छी लगती ही हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ों को नहीं अच्छी लगती, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी हक्का नूडल्स भी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। कितनी स्पाइसी बनी है, बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं बनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी की छोटी सी ड्रेस, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं, 0 साइज़ के लड्डू गोपाल जी हैं, और बहुत पुराने भी हैं। मेरी सासू माँ के लड्डू गोपाल जी हैं, वो शायद मेरी दादी सास के लड्डू गोपाल जी हैं।
तो मैंने कपड़ा निकाला है, एक मेरे पास साटन का न्यू कपड़ा रखा है, इसी से मैं छोटी सी ड्रेस बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी की। तो ये कपड़ा मैंने ले लिया है और अभी बज चुके हैं 4:30 बज चुके हैं, तो यहाँ पे मैं ड्रेस बनाऊंगी, तो अभी आपको बनाते हुए दिखाऊंगी भी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये छोटी सी ड्रेस कैसी लगी। अभी मेरे पास लेस वगैरह कुछ भी नहीं है, बस मैं एक बार ड्रेस बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये कपड़ा वैसे भी साटन का, अगर मैं इसमें लेस ना भी लगाऊँ ना तो भी ये ड्रेस सुंदर लगेगी। बट मैं लेस लेके आऊंगी जन्माष्टमी से पहले और लगा दूंगी इसमें। तो चलिए बना लेती हूँ तब तक अपनी ड्रेस लड्डू गोपाल जी की। जो साटन का कपड़ा लिया था उसे कट कर लिया है, और क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं तो इतना कपड़ा काफ़ी होगा ड्रेस के लिए। और इसे भी मैं हाफ़ करूँगी, क्योंकि हाफ़ जो कपड़ा होगा उससे मैं दुपट्टा बनाऊँगी और बाकी जो हाफ़ होगा उससे घेर बन जाएगा लड्डू गोपाल जी का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो किनारे होंगे इसके, जो किनारे हैं कपड़े के, वो मैं टक्स लगा दूंगी उनमें, क्योंकि वो बिल्कुल फाइन नहीं है आगे साइडों से। तो इनमें मैं इस तरीके से टक्स लगा दूंगी ताकि इवन लगे जो ड्रेस है मेरी लड्डू गोपाल जी की। तो इस तरीके से टक्स लगा लूंगी मैं। और मेरे पास यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लू कलर की रील नहीं थी, सो मैं वाइट कलर की रील का ही यूज़ कर रही हूँ। और मैं पहले सोची थी कि लेस लेके आ जाऊँगी, बट मेरे पास कुछ स्टोन्स पड़े हैं, वही मैं इसमें ड्रेस में लगा दूंगी, तो मुझे लेस नहीं लाना पड़ेगा मार्केट जाके। तो दोनों तरफ से मैं टक्स लगा लूंगी इस तरीके से, एक साइड मैंने लगा लिए हैं, दूसरी साइड भी मैंने लगा दी है। और ये अब मैं ऊपर जहाँ पे हम नाड़ा डालते हैं वहाँ पर भी मैं टक्स लगा दूंगी और ये घेर मेरा रेडी हो जाएगा और ये ड्रेस बहुत ही जल्दी बनकर तैयार रहती है। ये ड्रेस मेरी मम्मी इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाती हैं सारी, आजू बाजू में टक्स लगा के और बीच में ये नाड़े के लिए स्पेस छोड़ के बनाती है मेरी मम्मी, तो मैंने उनको देख के ही सीखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ऊन का नाड़ा बना दूंगी लड्डू गोपाल जी के, तो मेरे पास एक वाइट कलर की ऊन रखी थी, तो न्यू बिल्कुल न्यू ऊन रखी थी, तो उसी से मैंने नाड़ा बना दिया है ड्रेस के लिए। तो ये देखिए मेरा जो लड्डू गोपाल जी का घेर है वो तो बन करके तैयार भी हो गया है, और अब मैं इसमें लगा लूँगी स्टोन्स। तो ये नाड़ा भी लग गया है, साइडों से टक्स भी लग गए हैं, तो ये देखिए नाड़ा खींच के इस तरीके से प्लीट्स आ जाएंगी ड्रेस में और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस लगेगी। तो मेरे पास कुछ रेड कलर के से या डार्क पिंक कलर का आप कह दीजिए उस कलर के, ये देखिए स्टोन्स हैं, ये डार्क पिंक कलर के हैं, रानी कलर जिसे बोलते हैं। तो ये स्टोन मैं ड्रेस में लगा दूंगी जिससे काफ़ी सुंदर हो जाएगी ड्रेस और अलग सा लुक आ जाएगा इसका, और मुझे मार्केट से लेस भी नहीं लानी पड़ेगी क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। तो और मैं हर साल ही ठाकुर जी के लिए ड्रेस खुद के हाथों से बना के उन्हें पहनाती हूँ, मार्केट की ड्रेसेस भी लाती हूँ, बट मैं मोस्टली जन्माष्टमी में अपने हाथ की बनाई हुई ड्रेस ही ठाकुर जी को पहनाती हूँ। तो मेरे पास ये ब्लू कलर का सुंदर सा कपड़ा रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ब्लू कलर की ड्रेस बनाऊँ। और ये इसी तरीके से मैंने दुपट्टा भी बना दिया है भगवान का, और इसमें भी मैं स्टोन लगा दूंगी। तो जब ठाकुर जी को मैं ये ड्रेस पहनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी जन्माष्टमी वाले दिन जब मैं ये ड्रेस पहनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितने कम समय में और फटाफट से हमारी जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है वो बन करके तैयार हो गई है, और देखिए इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। फेविकॉल अभी सूख जाएगा, उसके बाद ही मैं इसे समेट के रखूँगी। तो ये नीचे जो घेर है उसका तो लगभग फेविकॉल सूख भी चुका है, ऊपर का जो दुपट्टा है उसमें अभी थोड़ा गीला है। तो ये देखिए मेरी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की। सो फ्रेंड्स मेरी तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन करके तैयार है, छोटे से लड्डू गोपाल जी की छोटी सी ड्रेस मैंने बना ली है जन्माष्टमी के लिए, और आज से जन्माष्टमी की तैयारियां भी मैंने शुरू कर दी है क्योंकि 24 तारीख को आने वाली है जन्माष्टमी, और सबसे बड़ा दिन होता है, कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है उस दिन। तो अब एक दो दिन में बस मैं उसी की तैयारी में मुझे लगना है, पंजीरी भी बनानी है, प्रसाद भी बनाना है और झांकी भी सजानी है, तो बस यही सब काम रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो मेरे चैनल पर न्यू है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।